السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في كلامه المجيد يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا إلى آخر الآية मोहतरम नाज़रीन किराम, मैं आज की इस वीडियो में एक माशरे और समाज के काफ़ी हसास और सुलगते हुए मौजू पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ और वो मौजू है तरबियत औलाद। हकीकत तो ये है कि तरबियत औलाद को आज हर सतह पर भुला दिया गया है। दो चीजें होती हैं, एक होती है तालीम और दूसरी होती है तरबियत। आज हर सतह पर, हम कोई भी सतह ले लें, वालिदैन की सतह पर तालीम तो दी जाती है बच्चों को, लेकिन तरबियत नहीं दी जाती। टीचर्स के जरिए तालीम तो दी जाती है, फैक्ट्स तो दिए जाते हैं, नॉलेज तो दी जाती है, लेकिन वैल्यूज नहीं सिखाई जाती, अखलाक नहीं सिखाए जाते, अकदार नहीं सिखाई जाती, यानी उनकी तरबियत नहीं की जाती है। और इसकी वजह क्या है? क्योंकि पूरा एजुकेशन सिस्टम हिंदुस्तान का वो सिर्फ इसी पर बेस है कि तालीम तो दी जाती है लेकिन तरबियत नहीं की जाती है, अच्छे तरीके से उनको वैल्यूज, अखलाक और अकदार नहीं सिखाए जाते हैं। और यही वजह है कि जिसकी वजह से हम हर सतह पर, हिंदुस्तान के हर सतह पर, हर पोजीशन पर, हर लेवल पर जाने वाला आदमी, उसके अंदर बद अखलाकी पाई जाती है, उसके अंदर तरबियत का कमी हमें दिखती है, चाहे वो जज हो, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे किसी भी देश के, हिंदुस्तान के किसी भी बड़े ओहदे पर बैठने वाला हो, उनके अंदर तरबियत की कमी हमें नजर आती है। क्योंकि तरबियत बहुत अहम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ऐ लोगो, या अय्युहल्लज़ीना आमनु क़ू अन्फुसकुम, अपने आप को तुम जहन्नम की आग से बचाओ, व अहलीकुम नारा, और अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। तो जिस तरह अपने आप की तरबियत करना जरूरी है, जिस तरह अपने आप को एक ऐसा इंसान बनाना जरूरी है जो दुनिया में भी कामयाब हो, आखिरत में भी कामयाब हो, उसी तरह अपने बच्चों को उस तरह बनाना कि वो दुनिया में भी कामयाब हों और आखिरत में भी कामयाब हों, ये वालिदैन की जिम्मेदारी है, ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस ताल्लुक से मैं दो आइडियाज देना चाहता हूं कि किस तरीके से, वो कौन से अनासिर हैं, वो कौन से एलिमेंट्स हैं जिनकी बुनियाद पर बच्चों की तरबियत पर असर पड़ता है। अगर वो अनासिर पाए जाते हैं, अच्छे पाए जाते हैं, तो बच्चों पर अच्छा असर पड़ता है, उनके अखलाक पर अच्छा असर पड़ता है। और अगर वही अनासिर बुरे पाए जाते हैं तो बच्चों पर बुरा असर पड़ता है। दो चीजें, सबसे पहली चीज यह है कि बच्चों को घर का माहौल कैसा मिल रहा है, इन्वायरमेंट कैसा मिल रहा है। और ये इन्वायरमेंट तीन तरीके का हो सकता है। एक इन्वायरमेंट उसके घर का, एक इन्वायरमेंट जहां पर वो स्कूल तालीम हासिल कर रहा है, यानी स्कूल का इन्वायरमेंट, और तीसरा जहां पर वो अपने फ्रेंड्स के साथ या जहां पर वो रह रहा है स्कूल के और घर के अलावा, वो इन्वायरमेंट कैसा है, यानी घर के बाहर का, यानी सोसाइटी का, जिस लोकेलिटी में वो रह रहा है, मोहल्ले और गांव में भी रह रहा है, उस गांव का इन्वायरमेंट कैसा है। तो इस ताल्लुक से मैं एक छोटा सा वाकया जो हकीकत पर मबनी है वो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। एक बच्चा स्कूल में जाता है और उसकी जुबान से गालियां निकलती हैं, वो गालियां देता है, वो जब अपने बड़े से बोलता है तो इज्जत करके नहीं बोलता, उसको इज्जत नहीं देता। किसी ने पूछा कि तुमने ये अखलाक कहां से सीखे हैं, तुमने इस तरह का ये तुम्हारा किरदार है ये कहां से सीखा? उन्होंने कहा कि मैंने सीखा कहीं से नहीं है, बल्कि ये तो हमारे घर में ही यही चलता है। तो घर का ये इन्वायरमेंट है, यानी उसने, वो बच्चा ये कहने चाह रहा है कि मैंने अपने बाप को गाली देते हुए देखा है, मैंने अपनी माँ को गाली देते हुए देखा है, इसी तरह मैंने कहीं से नहीं सीखा, वहां से मुझे अचानक मिल गए, मुझे विरासत में मिल गए। और इसी तरह का दूसरा वाक्या, एक बच्चा उसी स्कूल में एक ऐसा मिला
कि जो काफ़ी इज्जत के साथ बोलता है, एहतराम के साथ बोलता है, उसमें अखलाक पाए जाते हैं, उसमें किरदार पाए जाते हैं, उसके चलने का सलीका अलग है, उसके बोलने का सलीका अलग है, उसके रहन सहन का तरीका अलग है, उसके अखलाक निराले हैं, उसके अखलाक उमदा हैं। पूछने वाले ने पूछा कि तुम्हारा ये अखलाक तुमने कहाँ से सीखे? उसने कहा मैंने ये अखलाक कहीं से नहीं सीखे, ये तो हमारे घर में चलता है। तो घर का इन्वायरमेंट इतना अहम और इतना ज़रूरी है कि अगर ये सही है तो आपके बच्चे सही होंगे, अगर ये सही नहीं है तो आपके बच्चे सही नहीं होंगे। और यहाँ तक कि इल्मे तरबियत पर और इल्मे साइकोलॉजी पर रसूख रखने वाले उलमा ने कहा है कि बम फटने का उतना एक इंसान पर असर नहीं होता है, उससे 10 गुना ज़्यादा ये असर होता है कि किसी बच्चे के माँ बाप की लड़ाई उसके सामने हो और उसके माँ बाप उसको, वो अपने माँ बाप को लड़ता हुआ देखे, इससे 10 गुना ज़्यादा असर किसी बम फटने से ज़्यादा उस बच्चे पर होता है। आप जानते हैं कि अगर हमारे सामने बम फूट जाए, शायद ही किसी का एक्सपीरियंस नहीं है, अगर हमारे सामने बम फूट जाए तो हम पर या जिसके सामने हुआ है उसकी अकल पर क्या असर होता है, उसकी जहनियत पर क्या असर होता है, उसकी मेंटलिटी पर असर क्या होता है। तो पहली चीज़ रही कि अगर आप अपने बच्चे की तरबियत करना चाहते हैं तो अपने घर का माहौल अच्छा रखें। ठीक है, ये किसी से मख्फी नहीं है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि माँ बाप वालिदैन की या मियाँ बीवी की लड़ाइयाँ नहीं होती हैं, होती हैं, होंगी, लेकिन आप देखिए कि बच्चों के सामने हमें कैसा रखना है। छोटे छोटे बच्चे जब भी कुछ भी नहीं जानते हैं, आप उनको गालियां भी सिखाने लगते हैं, आप उनको लड़ना भी सिखाने लगते हैं, आप उनको झूठ बोलना भी सिखाने लगते हैं, आप उनको मक्कारियां करना भी सिखाने लगते हैं, उसी लड़ाई के अंदर आप उनको कैसे एक दूसरे पर इल्जाम लगाए जाते हैं वो भी सिखाने लगते हैं, आप किस तरीके से एक दूसरे से नफरत की जाती है वो भी सिखाने लगते हैं, हालांकि बच्चा अभी 3 साल का है, 4 साल का है। तो बच्चों से अलग होकर आप लड़ाई कीजिए, और लड़ाई भी कैसे कीजिए वो आपको पता है किस तरीके से लड़ाई करना है। तो घर का इन्वायरमेंट और घर का माहौल ये बच्चों की तरबियत में काफ़ी अहम किरदार निभाता है। अगर घर का माहौल अच्छा है तो बच्चों की तरबियत अच्छी होती है, और अगर घर का माहौल अच्छा नहीं है तो बच्चों की तरबियत पे उसका 100% असर पड़ता है। दूसरा पॉइंट है कि बच्चों के दोस्त कौन हैं, ये काफ़ी अहम है, क्योंकि हदीस से बिल्कुल वाज़े है, जो हदीस का निचोड़ निकलता है कई हदीसों का, कि आप जिसके साथ रहते हैं उसके अखलाक, अगर वो अच्छा है तो अच्छे अखलाक आप में ज़रूर आएंगे, और अगर बुरा है तो उसके बुरे अखलाक, उसका बुरा किरदार, बुरा चाल चलन आपके अंदर ज़रूर आएगा। तो ये वालिदैन की जिम्मेदारी है, मैं कहता हूँ ठीक है, बच्चों को इख्तियार है कि वो दोस्त चुने, लेकिन उसके बाद वालिदैन की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों को बताएं कि आप इस बच्चे के साथ, इस दूसरे बच्चे के साथ आपकी दोस्ती सही है या नहीं सही है। हमारी प्रॉब्लम क्या है आज के वालिदैन की, कि उनको कोई भी मतलब नहीं है कि हमारे बच्चे किसके साथ रह रहे हैं, किसके साथ उठ रहे हैं बैठ रहे हैं, उनकी बेटियां किसके साथ रह रही हैं, उनकी दोस्तियां किसके साथ हैं, उनकी सहेलियां कैसी हैं, उनकी सहेलियों के किरदार कैसे हैं। अगर आपने इस पॉइंट पर फोकस नहीं किया, यानी आपके बच्चों के दोस्त कौन हैं, आपकी बच्चियों के दोस्त कौन हैं, उसकी रातें किसके साथ गुजरती हैं, उसकी बातें किसके साथ होती हैं, उसका उठना बैठना किसके साथ होता है घर के बाहर, अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया, फिर उसको कितने भी अच्छे स्कूल और कॉलेज में आपने तालीम दिला दी, कितनी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में आपने तालीम दिला दी, आपके बच्चे का कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। इसलिए मैं कहूँगा कि आप डिसाइडर हो आपके बच्चे का दोस्त कौन होगा, आपके बच्चे का कौन दोस्त नहीं होगा, ये डिसाइड आप करना चाहिए, खासकर बुलूग से पहले आपका बच्चा किसके साथ रहे और किसके साथ नहीं रहे। एक बोनस टिप्स और देना चाहता हूं कि 15 साल से पहले मेरा मानना है मोबाइल के ताल्लुक से कि बच्चे को मोबाइल नहीं दिया जाना चाहिए, आज दिए जाने लगा है बच्चों 15 साल की 18 साल की उम्र से पहले बच्चों के अपने मोबाइल हैं, वो मोबाइल रखते हैं, बुलूगत से पहले बच्चों के पास मोबाइल नहीं होना चाहिए, सिर्फ मोबाइल ही नहीं होना चाहिए बल्कि मेरा मानना यह भी है कि वो अपनी मर्जी से किसी का भी मोबाइल ना छुएं, किसी के मोबाइल में कुछ ना देखें, अगर उन्हें दिखाना ही है तो उनका बड़ा भाई दिखाए, उनके माँ बाप दिखाएं, उनकी बहनें दिखाएं, बड़ी बहनें, अपने मर्जी से वो मोबाइल को बिल्कुल भी टच ना करें, बिल्कुल भी छुए नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं देखें। और अगर आप ये कहते हैं टेक्नोलॉजीज कहाँ से सीखेगा वो, तो उसके लिए मैं मशवरा देता हूँ कि आप अपने घर में एक कंप्यूटर रखिए और
उस कंप्यूटर को घर में रखेंगे तो आपका बच्चा वो सीखेगा। तो ये दो टिप्स और साथ में मोबाइल के ताल्लुक से ये टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। बड़े दिल की बातें आज मैंने आपके साथ शेयर की हैं और बात करने के अंदाज से भी आपने समझ लिएगा होगा कि किस तरह की बात, मैं क्या पैगाम आप तक पहुंचाना चाहता हूं। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपका सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह।